बनाएंगे सरसों का साग। इसके लिए मैंने एक प्लेट सरसों, आधा प्लेट पालक, आधा प्लेट बथुआ लिया है। इसे अच्छे से वॉश करके महीन काट लेंगे। कुकर में डाल के नमक और पानी डाल के इसे 4 से 5 सीटियाँ आने तक हम पका लेते हैं। सीटियाँ आ गई हैं, अब ठंडा हो गया। कुकर में खोल के देख लेते हैं, साग बहुत ही कम हो गया। इसे बहुत ही अच्छे से हमें मैश करते रहना है और धीमी आँच पर 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। जब आपको लगे पानी कम हो गया तो आप इसमें पानी ऐड करें, गर्म पानी ही ऐड करें। आप देखेंगे साग बहुत ही अच्छे से मैश हो गया, सब कुछ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया। तब हम इसमें 4 चम्मच मकई का आटा और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मैश करेंगे। आप देखेंगे क्रीमी टेक्सचर आ गया है साग का। अब हम तड़का लगाएंगे। मैंने यहाँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक लिया है। लहसुन ज़्यादा मात्रा में लेंगे। पैन में देसी घी ही डालेंगे। उसके बाद तड़का लगाएंगे हम। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, सभी चीज़ को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें साग को ऐड करेंगे और थोड़ा पानी डाल के इसे 15 से 20 मिनट के लिए हमें और पकाना है ताकि तड़के का सारा फ्लेवर इसमें आ जाए। आप देखेंगे बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी सरसों का साग बनके रेडी है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें द बोलो ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और पाएं अपने सारे सवालों के जवाब, जैसे कुकिंग से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड या आपके कोई भी सवाल हो आप इस ऐप में पूछ सकते हैं। लिंक ऐप का दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।